नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के बख्शी तालाब के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है परसौ। यहां पर कई सारी परेशानियां हैं। बड़ी खबर तो आप सब देख लेते हैं, लेकिन जेएमडी खबर के माध्यम से आज हम आप सभी को ज़रूरी खबर से रूबरू कराएंगे जो जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी ज़मीनी हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है। इस समय हम डॉक्टर अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र के सामने खड़े हैं। ये कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पर जो कि गाँव वालों के इलाज के लिए बनाया गया है, इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ताला है और उसके आगे बच्चे खेल रहे हैं, छोटी छोटी झुग्गियाँ बनी हुई हैं, काम चल रहा है, अंदर भी खाली पड़ा है, ना कोई डॉक्टर है, ना किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी है। तो आइए गाँव वालों से ही बातचीत करके जानते हैं कि इनको किस प्रकार की सुविधा यहाँ से मिलती है, नहीं मिलती है, क्या मामला है, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी, तो यहाँ पर डॉक्टर डॉक्टर बैठते हैं क्या कभी? नहीं, डॉक्टर नहीं बैठे, डॉक्टर नहीं बैठते हैं। क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, किसी प्रकार की कोई सुविधा है, ये कम्युनिटी सेंटर होने का कोई फायदा मिलता है आपको? दीदी इधर बराती घर कहा गए हैं तो बरात आती है टिकती हैं बस। क्या क्या होता है? इधर बरात आती है टिकती हैं और फैला के जाती है, हमको सफाई करनी पड़ती है। हम चार चार बच्चे हैं इस बराती घर में रहते हैं, हमको कुछ नहीं मिला है। हमें राशन कार्ड बस बना है हमारे लिए, ना लेटरिन है ना बाथरूम है, हमें सरकार ने कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो आप कहना चाह रही हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल वाला कोई काम नहीं होता? हाँ, है यहाँ पे बारात रुकती है आके? हॉस्पिटल नहीं है इधर, ना कोई डॉक्टर है। कोई कोई जैसे रात बरात है, उल्टी उल्टी हुई तो इंसान कहाँ जाएगा लेकर? पैसे नहीं है इंसान के पास, कहाँ किसकी गाड़ी आगे ढूंढेगा। इस वजह से हम कहना चाहते हैं इधर डॉक्टर होना चाहिए। नहीं है लेके जाते हैं। क्या आप इतनी बुजुर्ग हैं, कभी रात बिरात कोई दिक्कत हो गई, इमरजेंसी हो गई, तो उसके लिए किसी प्रकार की सुविधा यहाँ से मिलती है आपको? हमका कुछ नहीं सुविधा, कोई नहीं। चलिए, इसके आपके हिसाब से इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार प्रधान होते हैं। चलिए ठीक है, इन लोगों ने तो अपनी बात हमारे सामने रख दी है कि ये पूरी तरह से इसको बारात घर बना दिया गया है। हमारे परेशानियों की किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। रात बिरात तबीयत खराब हो जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे छोटे बच्चे हैं, हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे, कैसे अपना काम चलाएंगे? अब इन्होंने तो बता दिया कि इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है, अब आपके हिसाब से जिम्मेदार कौन है आप भी हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं शिवांगी, जेएमडी खबर, लखनऊ।